अब चेक करते अपने स्टेप्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर फादर सन क्या बेटा लाइन में खड़े हैं। सबसे पहला काम आउटकम्स बना लो। आउटकम्स क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस देखो, मदर फादर सन, मदर सन फादर, ठीक है, फिर फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन फादर मदर, सन मदर फादर। बोलो यहां तक क्लियर। आगे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पहले बता दो, क्वेश्चन ये है पी ई बाई एफ निकालना है। ई क्या है, सन ऑन वन एंड, एफ क्या है, फादर इन मिडल। तो पहले किसके आउटकम्स लिख लूं, ई के ने कबाड़ा, पहले किसके आउटकम्स लिखते हैं, गिवन के फाइंड के, गिवन के, ये याद है, ये बताओ इसमें गिवन क्या है, ई या एफ। सबके सब ना माशाल्लाह, जो जो गलतियां कर रहे हैं वो लिखो पहले, फाइंड हमेशा पहले होता है, गिवन बाद में। अच्छा एक मिनट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में से किस किसने पढ़ी है क्लास टेंथ में, किसको याद है, फाइंड अपॉन गिवन याद है, वो लगा देना, फाइंड अपॉन गिवन, फाइंड पहले गिवन बाद में, और क्या ये नहीं हुआ, ये भी हो गया। चलिए अब देखो, सबसे पहले एफ क्या लिखेंगे, एफ क्या है, फादर इन मिडल, तो कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, एस एफ एम और एम एफ एस, राइट। अब इसमें से किसके निकालने बेटा, मेरे को निकालने पी ई बाय एफ, तो फाइंड हुआ ई, एफ हुआ गिवन। अब इसमें से ई वाले निकाल लो, ई क्या है, ई क्या है, सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पर होगा, क्या हो जाएगा बेटा, खुद बताओ कौन से हो जाएंगे इनमें से, एस एफ एम और एम एफ एस। अच्छा आप में से कई बच्चे ना यहाँ इंटरप्रेट गलत कर रहे होंगे, सन ऑन वन एंड मतलब सन एक कोने पे, बेटा कौन सा वाला कोना, पहला या आखिरी तो कोई है ही नहीं, तो क्या बनी इसकी ई वाई एफ की प्रायोरिटी, 2/2 दैट इज 1, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, एक मौका और है, टेंशन लो, क्वेश्चन की भरमार है। एग्जाम्पल नंबर 3 करके दिखाओ, 2 मिनट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप बेटा एग्जाम्पल 3, इसके पहले लैंग्वेज समझते हैं। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स अप थॉरली। दस कार्ड है बेटा एक से, राइट, मेरे पास यानी क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। आगे एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, फिर क्या कर रहे हैं हम, एक कार्ड निकाल रहे हैं, यहां तक क्लियर। अब ध्यान से इस लाइन को पढ़ना, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, क्या मतलब है कि अगर मेरे को ये पता है कि जो नंबर है वो क्या है, 3 से ज्यादा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो क्या चांस है ये एक इवन नंबर हो, यहां तक क्लियर। बोलो डाउट, एक कार्ड उठाया, हाँ आगे क्लियर, ठीक है। तो देखो एक मेरे पास क्या हो गया, ए क्या हो गया, लेट से नंबर नंबर मोर देन 3, राइट, नंबर 3 से बड़ा हो, और बी क्या हो गया, इवन नंबर। तो बेटा निकालना क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप बता सकते हो क्या निकालना है, पी व्हाट, बोलो ना तेज, बी अपॉन ए, बिल्कुल सही कहा। देखो बी बाय ए निकालना है, कैसे पता लगा, सर प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है, इवन की, वो पहले लिखेंगे। अब इफ इट इज नोन दैट मतलब, इट इज नोन मतलब गिवन, पता है मेरे को भाई ये हो गया, जो चीज पता लग गई, ठीक है, तो वो बाद में ये निकालना है। तो पहले हम किसके आउटकम्स लिखते हैं, गिवन के या फाइंड के, गिवन के, तो ए क्या हुआ, मोर देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। अब इसमें से बी क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर कौन से हुए, 4,
फोर सिक्स एट टेन, तो क्या हो जाएगी प्रॉबर्टी पी बी बाय ए, एक दो तीन चार फोर बाय सेवन, ये था बेटा क्वेश्चन। आप में से कुछ बच्चे ना ये वाले मेथड से कराए फॉर्मूले से, गो फॉर इट। आप में से कुछ बच्चे शायद वर्ड पकड़ोगे जबकि जब तक गिवन नहीं आएगा तब तक गिवन लिखे ही नहीं रहे होंगे, कोई है ऐसा? चलो वैसे दोबारा समझो, सबसे पहले गिवन वाले ही लिखते हैं बेटा। गिवन क्या है पहले तो ये बताओ, ए है या बी है? क्वेश्चन ये रहा, बुक की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल है ये, नंबर मोर देन राइट। ए गिवन हो गया तो पहले उसके आउटकम्स लिखने ले, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब इसमें से जिसकी फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, इवन नंबर कितने हैं, फोर सिक्स एट टेन। गिवन में से हम फाइंड को निकालते हैं क्या, गिवन में से फाइंड निकालना है। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन आएगा मेरा गलत आ गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स का हम करेंगे सेकंड पार्ट, अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। चलिए राइट नाउ क्या सैंपल स्पेस, अ कॉइन इज टॉस्ड टू थ्री टाइम्स का, पता कॉइन के सैंपल स्पेस क्या होते हैं, हेड टेल्स, तीन वाले पता है, तीन के क्या होते हैं, चार के क्या होते हैं, नहीं पता लिख लो फिर, जिसको नहीं पता उसके लिए सैंपल स्पेस। तो पहले कॉइन्स की बात करते हैं, सबसे पहला वन कॉइन इज टॉस्ड, बेटा एक कॉइन जब उछलता है आउटकम्स क्या आते हैं, हेड या टेल राइट। जब टू कॉइन्स टॉस होते हैं, जब दो कॉइन टॉस होंगे तो क्या होगा, खुद सोचो, दो सिक्के एक साथ उछाल रहे हो, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड राइट। अब दिक्कत आती है थर्ड वाले में, थ्री कॉइन्स टॉस में, बेटा बता सकते हो कितने आउटकम्स आएंगे थ्री कॉइन्स टॉस में, एट। कैसे बनाने का तरीका सुनो, जिसको नहीं आता बनाना, ये बच्चा सोचेगा हेड 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 टेल टेल टेल, ऐसे सोचने बैठते हो, मत टाइम वेस्ट करो, और आप तो मेरे से पढ़े हो गलती। देखो दो वाले के आउटकम्स को दो बार लिख लो, क्या हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड लिख दिया, एक और बार हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड राइट। एक बार सबके हेड लगा दो, हेड 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 हेड, एक बार सबके साथ टेल लगा दो राइट। कांची को कुछ याद आ गया इसको देख के। अच्छा मान लो चार कॉइन को टॉस करना है तो फोर कॉइन्स आर टॉस, अब बताओ क्या तीन को दो बार लिखना, अब तीन के आउटकम्स क्या, पहले देखो हेड 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 टेल टेल हेड, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, हेड हेड टेल 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 टेल, हेड टेल 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 हेड टेल। इसको एक और बार लिख दो बेटा, देखो एम्पायर निंजा शक्ति है लिखने के लिए, आपके पास नहीं होगी पेपर में, ठीक है मैंने लिख दिया ओके। अब एक बार सबके साथ हेड लगा दो, एक बार सबके साथ टेल लगा दो, हो गया। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है टू की पावर एन, क्या होता है मेरे बच्चा ये टू की पावर एन, यानी अगर एक कॉइन टॉस कर रहे टू की पावर वन, दो कर रहे तो देखो चार आ रहे, तीन कर रहे तो टू की पावर थ्री ओके। अब करोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड राइट नाउ। चलो क्वेश्चन सिक्स क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, एक कॉइन को क्या कर रहे मेरे बच्चा तीन बार उछलते, सबसे पहला काम सैंपल स्पेस लिखो, कैसे दो वाले के आउटकम्स याद है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, फिर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, सबके साथ एच लगा दो, सबके साथ टेल लगा दो। आप सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, निकालना क्या पी ई बाय एफ, एटलीस्ट टू हेड्स। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है एटलीस्ट और एटमोस्ट होते क्या है, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ ये बात,
क्या चीज, फर्स्ट पार्ट वो भी करा देते हैं, पहले एक मिनट लिख दूं। एटलीस्ट टू हेड्स क्या होते हैं जरा इसको जानो, एटमोस्ट और एटलीस्ट। एटलीस्ट को हम बोलते हैं मिनिमम, ठीक है, या अगर मैं बोलूं एक नंबर उससे ज्यादा, लेट्स से मैंने अगर बोला एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मिनिमम चलो एग्जांपल लेते छोटा सा, जैसे मैंने एक सैंपल स्पेस बोला, लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास कुछ नंबर्स है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अगर मैंने आपको बोला एटलीस्ट फोर, क्या बोलते मेरे बच्चा, एटलीस्ट फोर, तो कम से कम चार हो, यानी फोर या फोर से ज्यादा। एटलीस्ट फोर का मतलब क्या हुआ, फोर और मोर देन फोर। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें बेटा, फोर फाइव सिक्स, बोलो पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें एटमोस्ट, बेटा एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर मैंने बोल दिया एट मोस्ट थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा थ्री, या अगर मैं बोलू थ्री और लेस देन थ्री, थ्री और लेस देन थ्री, तो कौन कौन से आ जाएंगे सर इसमें, माइनस टू से लेके थ्री तक। आप बोलो कुछ पॉइंट क्लियर। तो क्या है, कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स, एक कॉइन को तीन बार टॉस कर रहे हैं, E by F निकालना है, F क्या है, at most two heads, F क्या है, at most two heads, पहले किसको लिखूंगा, E या F, F, बुक का है मेरा तरीका, ओके, F, at most two heads, यानी maximum two heads हो, तो कौन कौन से हो जाएंगे, maximum two heads, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सारे, ये भी आ जाएगा, राइट, थोड़े से नॉर्मल लिख लेते, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी और टी टी टी, राइट। अब इसमें से किसके निकालनी है, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू यानी मिनिमम दो तो हो, तो इसमें कितने हैं जिनके पास मिनिमम दो हेड तो होने चाहिए, दो से ज्यादा चलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, एच एच टी भी तो है। अब गलती मिल गई, क्या गलती करी थी, अब क्लियर, 3/7, बच्चे ने बोला सर फर्स्ट पार्ट भी करा दो, फर्स्ट पार्ट भी देखते हैं, अ कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स वेयर मेन पॉइंट एफ हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, हेड किस पे आना चाहिए, फर्स्ट टू टॉस, ये था सेकंड पार्ट, हेड आना चाहिए फर्स्ट टू टॉसेस पे, तो कौन सी हो जाएंगे फर्स्ट टू टॉस पे हेड आने वाला, एच एच एच, ठीक है, और एच एच टी, और कोई है ही नहीं, आगे ई हेड ऑन थर्ड टॉस, अब इसमें से ई एच एच एच, तो क्या बना खुद बताओ, पी ई वाई एफ कितना बना, 1/2, बोलो क्लियर। एडवांस में अगर कोई बच्चे सोच रहे मैं ऐसे घर जाके करूंगा मेरे को हो जाएगा, वो नहीं होगा, उससे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम खुद कई बार करते हैं और हमारे से हो जाते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको हमारे को अभी ही करना होता है यानी क्लास के अंदर, तभी वो घर जाके हो सकते हैं, दोनों में फर्क है, एक में कई बार आप पहले समझते फिर घर जाके प्रैक्टिस करते हो, एक में है कि भाई आपको अभी समझना ही पड़ेगा और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये वो चैप्टर है, तो ध्यान रखना कि घर जाके अपने आप नहीं होगा, यहीं पर जो भी डाउट आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करे, क्लियर, ओके।
फर्स्ट पार्ट ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 राइट नाउ। इससे पहले अपने क्वेश्चन पे आऊं, जरा डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट। अभी 7 भी दिया है, 6 का थर्ड मैं सारे डिस्कस कर रहा हूं ताकि जो प्रॉब्लम है दूर हो सके, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। E at most 2 tails, F at least 1 tail. At most 2 tail, तो पहले F वाले लिखेंगे। At least 1 tail, कम से कम एक tail हो, क्या हो जाएगा सर? HST, HTH, basically triple H को छोड़ के, ये तो ये यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन ये निंजा शक्ति मेरे पास ही है, आपके पास भी नहीं है। आगे क्या कहता क्वेश्चन? वापसी आते हैं। अब निकालना क्या, ई एट मोस्ट 2 टेल यानी मैक्सिमम कितने हो? 2 टेल्स हो, तो कौन कौन से हो जाएंगे सर बताओ? 2 टेल्स हो, ये चलेगा? इसमें एक ही टेल है, चलेगा? बिल्कुल ये चलेगा। टी एच एच चलेगा, ये चलेगा, एटमोस्ट 2 ही होने चाहिए, ये भी चलेगा एच एच टी, सिर्फ ट्रिपल टी नहीं चलेगा, तो कितना हो गया? 6/7 ये था। अब इस पे आते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस वंस वेयर टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। ओके, इसके बाद करते हैं, पहले 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस, 2 कॉइन्स उछाल रहे, तो एच 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 टी टी एच टी टी राइट। आगे पी बाय एफ निकालना है। एफ क्या है? वन कॉइन शोज हेड, मतलब एक कॉइन क्या शो करे? हेड, तो कौन से हो जाएंगे सर? एच टी टी एच। आगे टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल एक कॉइन पर है, आंसर कितना है पीछे? 1 आया। अब मेरे से आंसर, सॉरी, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि सर उसमें हमने एच एच क्यों नहीं लिया? बेटा उसने क्या एटलीस्ट 1 बोला, ऑन 1 कॉइन, लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ कि हेड जो है एक कॉइन पे आना चाहिए, यानी एक आउट सही है। नेक्स्ट पार्ट, इसी सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम, एफ नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड ना है, क्या हो जाएगा सर? टी टी, फिर नो टेल्स अपीयर, सर एच एच तो है ही नहीं, तो खाली हो गया, एम्प्टी, तो टी बाय एफ क्या हो जाएगा सर? 0/2, दैट इज 0। मेरे ख्याल साहब इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे इतनी देर से, यहां तक ये कितनों का सही था, ये चीज कितनों की सही थी ऊपर वाली, तो नीचे प्रॉब्लम आई है, यानी सबको, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही जा रहे हो। अब वापसी है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कौन सा तुम्हारा? एग्जाम्पल 5। अब बच्चा कहता है समझ नहीं आई, 0 क्यों लिया? बट एक बात बता, मैंने क्या समझाया आपको कि पहले गिवन वाला लिखा टेल टेल, ई क्या है? 2, नो नो टेल अपीयर, यानी क्या होंगे? दोनों हेड। अब दोनों हेड वाले कितने हैं इसमें से? 2 हेड वाले कितने हैं इसमें से? कहाँ है दिखाओ मेरे बच्चा, हमने गिवन में से निकालना होता है, भूल गई? आप सैंपल स्पेस में से निकालने पर तोले हो तब से। चलो एग्जांपल 5 करके दिखाओ,